होली क्राफ्ट, उसको बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड में सर्कल शेप कुछ इस तरीके से कट कर ली है। हम इसी के साइज की वाइट शीट भी कट कर लेंगे। अब इन दोनों को हम आपस में पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हमारा सर को कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिर हमें वाटर कलर लेना है, वाटर लेना है और वाटर में कुछ इस तरीके से हमें अपनी फिंगर और थंब को डिप करना है। इसके बाद वाटर कलर हमें अपने थंब और फिंगर्स पे लगाना है कुछ इस तरीके से। तो हमने अपने फिंगर्स पे वाटर कलर लगा लिया है। अब हमने जो सर्कल बनाया था उस पर इसको हम हल्का सा पेस्ट कर देंगे ताकि हमारे सर्कल में हमारी फिंगर के प्रिंट आ जाए। और अब हमें डिफरेंट कलर से ऐसी सेम प्रोसेस करना है, तो मैंने इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और जब हमारे डिफरेंट कलर के फिंगरप्रिंट इस सर्कल पे लग जाए उसके बाद हमें इसमें हैप्पी होली लिख लेना है। उसके बाद हमें एक थ्रेड लेनी है और जो हमने स्टार्टिंग में एक सर्कल किया था उस थ्रेड को हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे ताकि हम इसको हैंग कर सके। तो अब हमारा होली क्राफ्ट रेडी हो चुका है। सो मैं इसको लगाने के लिए कितनी देर से नेल्स ढूंढ रही थी। अरे भाई नेल्स, ये वाले नेल्स नहीं, कील। पर मेरे को कील तो मिली नहीं, तो मैंने लगाया जुगाड़। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको टेप से पेस्ट किया जाए। आप लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी होली। बाय बाय।